स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मुझे पता है, बट मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूं। मुझे पक्का स्टोरी टेलर बनना है बट मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे इस तरह के मैसेज, डीएम, व्हाट्सएप आते रहते हैं, मुझे भी स्टोरी टेलर बनना है बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक 5-स्टेप फॉर्मूला यूज करके अगले 90 डेज में एक बेहतरीन स्टोरी टेलर बन सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड, और आपके लिए एक स्पेशल बोनस भी है, अगर आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मैं एक स्पेशल बोनस भी देने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी टेलिंग की जब बात आती है तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उन सबको अगर मैं क्रक्स बना के दूं तो 5 मेजर एस्पेक्ट होते हैं स्टोरी टेलिंग की, जो कि हमें मास्टर करने होते हैं अगर हमें एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है। वो 5 चीज़ें क्या हैं मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको देने वाला हूँ एक 90 डेज चैलेंज विच विल हेल्प यू बिकम अ मास्टर स्टोरी टेलर। तो पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है माइंडसेट, वर्किंग ऑन द माइंडसेट। यू नो, जब हम स्टोरी टेलिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि स्किल सेट विदाउट माइंडसेट लीड्स टू अपसेट, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट अपग्रेड करना होता है। तो हाउ डू यू अपग्रेड योर माइंडसेट? नाउ अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ करके आप माइंडसेट अपग्रेड कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंपल टेक्निक दैट यू कैन यूज़ फॉर 90 डेज टू बिकम बेटर, और वो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं अफर्मेशन। वॉट इज़ अफर्मेशन? जहाँ पे आप आउट लाउड कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि आप बनना चाहते हैं। तो अगर मैं स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इट इज़ लाइक आई एम अ मास्टर स्टोरी टेलर, व्हेन आई स्पीक पीपल वांट टू लिसन टू मी, पीपल टॉक अबाउट माय स्टोरीज ऑल द टाइम, आई हैव सो मेनी स्टोरीज दैट आई गेट टू चूज द स्टोरीज, पीपल लव टू लर्न स्टोरी टेलिंग फ्रॉम मी। इस तरीके के जब आप अफर्मेशन यूज करते हो ऑन डेली बेसिस, इट रियली हेल्प्स यू। यू कैन ऑल्सो यूज विजुलाइजेशन टेक्निक, जहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आप उस ड्रीम प्लेटफॉर्म पे, उस ड्रीम स्टेज पे, उस ड्रीम मीटिंग में हो और आप बेस्ट स्टोरीज बता रहे हो, आप लोगों को इंगेज कर पा रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो। इस तरह का विजुलाइजेशन जब आप रोज करते हो तो आपका माइंडसेट अपग्रेड हो जाता है। तो पहला एस्पेक्ट है इसकी, वर्क ऑन योर माइंडसेट, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू यूज द अफर्मेशंस टू इंक्रीज, एंड दिस शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 to 3 minutes। तो आप 4-5-6 अफर्मेशन लिख लीजिए, एंड एवरी डे, स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे या मिड ऑफ द डे, जब भी आपको टाइम मिले एक बार वो अफर्मेशन को पढ़िए और जोर से पढ़िए ताकि आपको खुद भी सुनाई दे। एस्पेक्ट नंबर 2 इज आई डोंट हैव इनफ स्टोरीज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी कोई स्टोरी टेलर बनना चाहता है उसको लगता है कि मेरे पास स्टोरीज ही नहीं है, मैं कहाँ से स्टोरी लाऊं। सो दिस इज़ वेयर फाइंडिंग स्टोरीज आर की। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास खुद की इतनी सारी स्टोरीज हैं कि अगर हम रोज रिफ्लेक्ट करना बैठें तो हमें बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो देयर आर अदर वेज एज वेल। यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट, यू कैन स्टार्ट collecting stories from different places। तो आप books पढ़ सकते हैं, आप podcast listen कर सकते हैं, आप YouTube videos पे भी search कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे storytelling के articles हैं जहाँ पे आपको amazing stories मिल सकती हैं। तो यही है आपका second mission या second challenge for 90 days, जहाँ पे आपको 5, 10, 15 minutes लगाना होगा और एक story bank बनाइए आप। I would highly suggest कि एक, या तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक एक्सेल बना लीजिए, एक फ़ोन पे नोट टेकिंग ऐप ले लीजिए, बट कहीं पे स्टोरीज कलेक्ट करना स्टार्ट करिए। सो द सेकंड चैलेंज फॉर यू इज स्टार्ट कलेक्टिंग स्टोरीज। व्हाट्स द थर्ड वन? सो द थर्ड एस्पेक्ट इज वेयर पीपल स्ट्रगल कि मैं स्टोरीज प्रेजेंट कैसे करूँ, वेयर मैं स्टोरीज में मोटिवेशन कैसे लाऊँ, एंड आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट एनालाइजिंग स्टोरीज। तो जो सेकेंड स्टेप में आप स्टोरीज को कलेक्ट कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे कलेक्ट कर रहे हो तो गो एवरी डे
and analyze one video. You can watch TED Talk, TEDx Talks, you can watch Hindi ka jo stocks aata hai. ऐसे बहुत सारे platform हैं जो on a regular basis story moth करके एक है जो कि regular basis पे stories निकालते रहते हैं. और कोई आपके motivational speaker हैं, कोई आपके favorite speaker हैं, उन सब के videos को आप लीजिए और analyze कीजिए कि ये वीडियोस उन्होंने कैसे किया था, क्या उन्होंने हुक यूज़ किया था, कैसे उन्होंने ऑडियंस को इंगेज किया था. तो अगर आप रोज़ एक वीडियो एनालाइज करेंगे, बाय द एंड ऑफ 90 डेज आपके अंदर वो सारे नॉलेज आ जाएंगे, एस्पेक्ट आ जाएंगे जिससे आप भी एक मास्टर स्टोरी टेलर बन सकते हैं. सो दैट इज़ द थर्ड चैलेंज, वहाँ पर आप एवरी डे आपको एक स्टोरी उठानी है और उसको एनालाइज करना है कि व्हाई डिड आई लाइक दैट और व्हाई डिड आई नॉट लाइक दैट और इसमें और क्या कर सकते थे. लेट्स गो टू द सेकेंड लास्ट एस्पेक्ट, नंबर 4, क्रिएटिंग एंड क्राफ्टिंग स्टोरीज. यू नो बहुत सारे स्टोरी टेलिंग के फ्रेमवर्क हैं, देयर इज अ हीरोज जर्नी, देयर इज अ देन नाउ एंड हाउ एंड देयर आर अदर्स एज वेल. व्हाट आई वांट यू टू डू इज स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरीज, स्टार्ट क्राफ्टिंग योर स्टोरीज. इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट बट इट हैज टू स्टार्ट समवेयर. वो कहते हैं ना कि इधर इट इज डे वन और वन डे. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस वन डे वन फाइन डे, मेक इट डे वन, वर्जन वन, ड्राफ्ट वन, विच एवर वे यू वॉन्ट टू कॉल, ताकि आप स्टोरीज को बेटर कर सके. तो आई वॉन्ट यू टू राइट एवरी डे फॉर 5 to 10 minutes अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द स्टोरी. आप कोई एग्जिस्टिंग स्टोरी ले लो, आप नई स्टोरी बना रहे हो, बट सी कि उसमें स्टोरी टेलिंग के सारे एलिमेंट हैं कि नहीं है, उसमें हुक है कि नहीं है, उसमें इमोशंस है कि नहीं है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, उसमें कोई टेक अवे मैसेज है कि नहीं है. और ये सारे एलिमेंट्स को लेकर के आप रोज एक स्टोरी बनाओ एंड दैट इज योर फोर्थ चैलेंज, फोर्थ मिशन फॉर 90 डेज. एंड फिफ्थ and final one, and now I am going to tell that this is not going to be an easy one. आपको बहुत uncomfortable भी लग सकता है, but there is no better way. अगर आपको public speaking करनी है, there is no better way to learn than to speak. अगर आपको storytelling करनी है, तो there is no better way than to tell stories. So मैं चाहता हूँ कि अगले 90 days आप एक stories deliver करो. Now when I say deliver, it doesn't have to be in front of large audience. It can be a group of friends, it can be your partner, it can be your if you don't find anyone, just record yourself or you can go live on social media. The platform doesn't matter, the place doesn't matter. What matters is, are you delivering a story or not and getting some feedback. So do it for 90 days, and agar aapko kuch bhi nahi milta hai, then come live on social media. And if you do not know, I've already started a 366 days live challenge of storytelling in 2024. So you can join me. You are most welcome. And that is the fifth challenge. So what is the challenge? Ek baar repeat kar deta hu. Pehla challenge hai ki every day work on your mindset by using affirmation. Number 2 hai ki collecting stories. Aap alag alag sources se ikattha karo, apna story bank banao. Number 3 hai ki kisi bhi ek achhi story ko, ek achhe video ko lo aur usko analyze karo. नंबर 4 है कि आप अपना खुद की स्टोरीज पे काम करो, क्राफ्ट इट एवरी डे, क्रिएट स्टोरीज. एंड नंबर 5 इज डिलीवर इट सम वे. इट कुड बी ऑनलाइन, इट कुड बी इन पर्सन, इट कुड बी इन लाइव ऑन सोशल मीडिया, इट कुड बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड, स्पाउस, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है डिलीवर करो. सो दैट इज द 90 डेज चैलेंज दैट आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू. एंड एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हियर इज अ बोनस. I am going to post a link in the description as well as in the first comment section, जहाँ पे आप जा करके मेरी वेबसाइट से एक ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको यूज करके आप हर दिन का ट्रैक कर सकते हैं. तो गो एंड डाउनलोड द ट्रैकर एंड उसके बाद इफ यू वॉन्ट टू टेक अ प्रिंट आउट, इफ यू वॉन्ट टू यूज इट ऑनलाइन, जस्ट यूज द ट्रैकर टू ट्रैक कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. एंड बाय द एंड ऑफ 90 डेज आई वुड लव टू लिसन कि आपकी स्टोरीज कितनी बेटर हो गई. एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. May all your wishes come true, all your dreams become reality. Most importantly, you take massive action. So see you in the next video. Take care, stay safe, and stay blessed.